आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बायोटिक एंड ए बायोटिक कम्पोनेट्स के बारे में इन्हें बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स भी बोलते हैं ठीक है देखो जो हमारा इकोसिस्टम है ये दो टाइप के फैक्टर्स से मिलकर बना है ए बायोटिक फैक्टर्स ए बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं जितने भी जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो एंड बायोटिक फैक्टर्स बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं लिविंग फैक्टर्स ठीक है देखो जो ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है एसोसिएटेड है अब इस वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ए बायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बायोटिक फैक्टर्स को एंड किस तरह से बायोटिक फैक्टर्स ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू ए बायोटिक फैक्टर्स ए बायोटिक फैक्टर्स में फर्स्ट है एयर देखो जो हमारी अर्थ है उसको चारों तरफ से एक गैशियस एनवलप ने कवर कर रखा है उस गैशियस एनवलप को बोलते हैं एटमोसफियर तो हमारे एटमोसफियर में बहुत सारी गैसेज है जिसकी परसेंटेज है नाइट्रोजन की परसेंटेज है 78 परसेंट ऑक्सीजन है 21 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 परसेंट आर्गन 0.93 परसेंट ठीक है इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो माइन्यूट क्वांटिटीज में प्रेजेंट होती है हमारे एटमोसफियर में वो है हाइड्रोजन हीलियम न्योन क्रिप्टोन ठीक है ये तो है गैसेज गैसेज के अलावा स्मॉल अमाउंट में वाटर वेपर्स डस्ट सॉल्ट स्मोक ये भी हमारे एटमोसफियर में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट है रोल ऑफ एयर देखो जो प्लांट्स हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन की जरूरत होती है ऐसे ही एनिमल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है अब ये हमें कहां से मिलती है ये एयर से ही मिलती है ठीक है सेकेंड है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम भी एयर का ही होता है थर्ड है ये देखो जो फायर है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लिविंग बींग्स की लाइफ में तो उसको जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है और ऑक्सीजन से से मिलती है एयर फैक्टर है लाइट जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे अर्थ का वो है सन बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में परफॉर्म होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स मतलब किस तरह से जो एबायोटिक फैक्टर है यानी कि जो लाइट है वो प्लांट्स की लाइफ को इफेक्ट करता है फर्स्ट है कि जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है लाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है सेकंड है कि जब लाइट इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्लांट्स में जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो भी इंक्रीज होगा थर्ड है जब सीड जर्मिनेशन होता है तब भी सनलाइट की जरूरत होती है फोर्थ है जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजनिंग होती है मतलब स्टोमेटा का बंद होना और खुलना वो भी लाइट की वजह से ही पॉसिबल होता है फिफ्थ है कि जो प्लांट्स की ग्रोथ है उसमें भी लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स देखो जो हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं वो भी हम लाइट की वजह से ही देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स के कलर को भी हम लाइट की वजह से ही देख पाते हैं ठीक है सेकेंड है कि बहुत सारे एनिमल्स में लाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में ठीक है कुछ एनिमल्स होते हैं जो शॉर्ट डे एनिमल्स होते हैं कुछ एनिमल्स होते हैं जो लॉन्ग डे एनिमल्स होते हैं एंड कुछ एनिमल्स होते हैं जो डे न्यूट्रल होते हैं ठीक है अब शॉर्ट डे एनिमल्स में आते हैं शीप डियर इनमें जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो विंटर के टाइम में होता है मतलब जब दिन छोटे होते हैं ठीक है इसी तरह से जो लॉन्ग डे एनिमल्स होते हैं इनमें आते हैं स्टारलिंग्स ठीक है स्टारलिंग्स में जो ब्रीडिंग सीजन है वो गर्मियों के दिनों में होता है क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं थर्ड है डे न्यूट्रल एनिमल्स इन एनिमल्स में जो ब्रीडिंग होती है वो थ्रू आउट द ईयर होती है ऐसा नहीं होता कि विंटर में होगी या फिर समर में होगी इसके एग्जाम्पल है रैबिट रेबिड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल है लाइट का कि जो लाइट है वो ऑर्गेनिजम्स के लोकोमोशन में भी हेल्प करती है थर्ड एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर जो टेम्परेचर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है जो कि सभी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स देखो प्लांट्स में जितनी भी जो मेटाबोलिक रिएक्शन है उनको कंट्रोल करते हैं एंजाइम्स लेकिन जो एंजाइम्स की एक्टिविटीज हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो सभी एंजाइम प्रॉपरली वर्क करेंगे लेकिन अगर टेम्परेचर इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा या कम हो जाता है तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी अफेक्ट करेगी मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा या कम होगा तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी सेकेंड है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्लांट्स में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज हो जाता है थर्ड है प्लांट्स में जो फ्लावरिंग है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग बहुत लो टेम्परेचर पे होती है एंड कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग मीडियम टेम्परेचर पे होती है एंड कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग हाई टेम्परेचर पे होती है नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन एनिमल्स देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो जो एनिमल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो भी अफेक्ट करती हैं सेकेंड पॉइंट है, Second point है कि जो टेम्परेचर है वो ह्यूमंस एंड एनिमल्स में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को भी अफेक्ट करता है देखो तो अफ्रीका में गर्मी पड़ती है वहां के ह्यूमंस को देखो उनके जो शरीर की बनावट है वो अलग होती है लेकिन जो कोल्डर रीजन में जो लोग रहते हैं उनके शरीर की बनावट अफ्रीका के लोगों से बिल्कुल अलग होती है ठीक है तो जो टेम्परेचर है वो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को भी अफेक्ट करता है थर्ड पॉइंट है एनिमल्स में क्या होता है कि जो मैचुरेशन ऑफ गोनेट्स है एंड जो स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू की एक्टिविटी है ये डिपेंडेंट होती है फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट में देखा गया कि जब टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री तक इंक्रीज होता है तो इस इंसेक्ट की एग्लेंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है इसी तरह से ग्रास ऑपर में देखा गया कि जब टेम्परेचर 22 से 32 डिग्री तक इंक्रीज हुआ तो ग्रास ओपर की जो एगलेइंग कैपेसिटी थी वो ट्वेंटी टू टाइम्स इंक्रीज हो जाती है फोर्थ एबायोटिक फैक्टर है विंड देखो जब एयर मोशन में होती है तो उसे बोलते हैं विंड अब विंड किस तरह से प्लांट्स को इफेक्ट करती है हम ये पढ़ेंगे जो स्ट्रांग विंड है वो सॉइल इरोजन कॉज करती है सॉइल इरोजन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो प्लांट्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी सेकेंड है विंड की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से टेम्प्री एंड परमानेंट विल्टिंग हो सकती है प्लांट्स में थर्ड है विंड हेल्प करती है सीड्स स्पोर्स एंड फ्रूट्स के डिस्पर्सल में जो विंड है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाती है और जो सीड्स स्पोर्स, फ्रूट्स हैं, वो हल्के होते हैं जिसकी वजह से विंड के साथ ये सभी एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं फिफ्थ बायोटिक फैक्टर है वॉटर देखो तो जो वॉटर है सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है बिना वॉटर के कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता हमारी अर्थ के 70 परसेंट से ज्यादा पार्ट पर वाटर है लेकिन वो हम पी नहीं सकते ठीक है हम उसको ज्यादा यूज में नहीं ला सकते क्योंकि वो खारा होता है अब वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट्स एनिमल्स एंड जितने भी जो लिविंग बींग्स हैं उन सभी की लाइफ में तो प्लांट्स में किस तरह से रोल प्ले करता है वाटर देखो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन्हें हाइड्रोफिटिक प्लांट्स भी बोलते हैं ठीक है एक्वेटिक प्लांट्स को हाइड्रोफिटिक प्लांट्स भी बोलते हैं इनमें जो पॉलिनेशन होता है ये वाटर करंट की हेल्प से ही होता है सेकेंड है प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन हो रहा है और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें भी वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसी तरह से एनिमल्स में वाटर हेल्प करता है एनिमल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ठीक है और वाटर जो है वो हैबिटेट प्रोवाइड करता है एक्वेटिक एनिमल्स को नेक्स्ट है इडेफिक फैक्टर्स देखो इडेफिव फैक्टर्स में वो फैक्टर्स आते हैं जो कि सॉइल की स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन से रिलेटेड होते हैं जैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल अब सॉइल किस तरह से प्लांट्स को अफेक्ट करती है देखो अगर सॉइल फर्टाइल होगी तो प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी अगर सॉइल लेस फर्टाइल होगी तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो पुअर होगी सॉइल में बहुत सारे माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रियट होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की अच्छी होगी तो जो वाटर अवेलेबिलिटी है प्लांट्स के लिए वो भी अच्छी होगी अब हम पढ़ेंगे कि जो सॉइल है वो एनिमल्स को किस तरह से अफेक्ट करती है देखो सॉइल जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सॉइल के अंदर अपना घर बना के रहते हैं ठीक है थीके? इसी तरह से जो सॉइल में एयर होती है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए अभी तक इस वीडियो में हमने इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर्स के बारे में देखो हमारे इकोसिस्टम में कितनी सारी स्पीसीज हैं और कितनी सारी स्पीसीज के कितने सारे मेंबर्स हैं जो कि एक साथ एक कॉमन एनवायरमेंट में रहते हैं ठीक है अब जो ये स्पीसीज हैं इन्होंने अपने आप को अडप्ट भी कर लिया है ए फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो एनवायरमेंटल कंडीशन थी उनके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को अडोप्ट भी कर लिया है प्लांट्स ने अपने आप को अडोप्ट कर लिया है कुछ प्लांट्स बन गए हाइड्रोफाइट्स कुछ मीजोफाइड्स कुछ जीरो कुछ हेलोफाइट्स इन्हें अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे फर्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोफाइट्स के बारे में हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं और इन्हें एक्वेटिक प्लांट्स भी बोलते हैं जो हाइड्रोफाइट्स हैं इन्होंने अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडोप्ट किया है अब इनमें क्या अडॅप्टेशन आई है वो देखो इनका जो रूट सिस्टम है वो ज्यादा डेवलप नहीं होता ज़्यादा इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके पास हर टाइम वाटर अवेलेबल होता है क्योंकि वाटर में रहते हैं। सेकेंड है कि जो इनकी की अपर है, उस पे स्टोमेटा होते हैं, वहां पर वैक्सी कोटिंग होती है और क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं थर्ड है जो हाइड्रोफाइट्स हैं, उनमें रूट कैप्स एबसेंट होती हैं और रूट कैप्स की जगह होती है रूट पॉकेट्स ठीक है फोर्थ है जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनकी स्टेम वीक होती है सिलेंड्रिकल होती है विद लॉन्ग इंटरनोड्स सेकेंड है जीरो फाइट देखो जीरो वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ड्राई कंडीशन में उगते हैं मतलब जहां पर वॉटर इजिली अवेलेबल नहीं होता वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है ठीक है तो इस कंडीशन में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें बोलते हैं जीरो इन जीरो प्लांट्स ने अपने आप को कैसे अडोप्ट किया है वो अब हम पढ़ेंगे इनका जो रूटिंग सिस्टम होता है वो वेल well डेवलप होता है और जो इनकी रूट्स होती हैं वो डीप पेनिट्रेट कर जाती हैं सॉइल में वाटर के लिए ठीक है Second है सेकंड इनमें जो root hairs and जो रूट रूट हेयर्स एंड कैप्स होती हैं वो वेल well डेवलप होती हैं थर्ड है इनकी जो लीव्स हैं वो फाइलोड्स और सक्यूलेंट लीफ में मॉडिफाई हो जाती हैं फोर्थ है जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं उनकी जो लीफ है उनमें वेरियस फीचर्स होते हैं जैसे कुछ लीफ रोल हो जाती हैं कुछ लेदरी लीव्स होती हैं कुछ पे वैक्सी कोटिंग होती है ठीक है कुछ जो लीफ है वो स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट है जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं इनकी स्टेम होती है वो काफी हार्ड रिजिड होती है और एक थिक बार्क से कवर्ड होती है थर्ड है हेलोफाइट्स हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो सेलाइन हैबिटेट में ग्रो करते हैं सेलाइन का मतलब ये है कि इस हैबिटेट में बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है ठीक है अब देखो जो हेलोफाइट्स हैं उन्होंने भी अपने आप को अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लिया है इनमें क्या क्या अडेप्टेशन आई हैं जो हेलोफाइट्स हैं वो सक्यूलेंट्स होते हैं और हेलोफाइट्स के जो सीड हैं वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर जाते हैं ठीक है हेलोफाइट्स में नेगेटिवली जियोट्रोपिकल रूट्स होती हैं और इन रूट्स को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स और ये रूट हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अडपटेशन इन एनिमल्स देखो एनिमल्स में भी एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग एडप्टेशन हुई है फर्स्ट है कुछ एनिमल्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं कुछ एनिमल एस्टेवेशन में चले जाते हैं कुछ एनिमल्स हाइबरनेशन एंड एस्टेवेशन दोनों में ही चले जाते हैं हाइबरनेशन क्या होता है विंटर्स के टाइम पर जब एनिमल्स की एक्टिविटी बंद हो जाती है मतलब जब वो डोरमेंट हो जाते हैं विंटर में तो उसे बोलते हैं हाइबरनेशन फॉर एग्जांपल फ्रॉग एंड वॉल लिजर्ड हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं विंटर के टाइम पे एस्टेवेशन क्या होता है जब एनिमल्स की एक्टिविटी समर के टाइम पे यानी कि गर्मियों के टाइम में जब एनिमल्स की एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाए जब वो डोरमेंट हो जाए तो उसे बोलते हैं एस्टेवेशन ये देखा गया है लंग फिश में सेकेंड है बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स अपनी गोनेडियल एक्टिविटी यानी कि ब्रीडिंग के लिए फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं और जिस जगह पे माइग्रेट करते हैं वहां पर फेवरेबल कंडीशन होती है ठीक है थर्ड है मिमिक्री जो मिमिक्री है वो भी अडोप्टेशन ही है ठीक है अब मिमिक्री दो टाइप की होती है प्रोटेक्टिव मिमिक्री और एग्रेसिव मिमिक्री प्रोटेक्टिव मिमिक्री में क्या होता है कि जो प्रे है वो अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए अपने आप को अपने सराउंडिंग से मैच कर लेता है मिमिक कर लेता है जिसकी वजह से जो प्रिडेटर है वो प्रे को कैच नहीं कर पाता और उसको नहीं खा पाता ठीक है एग्रेसिव मिमिक्री में क्या होता है कि जो प्रिडेटर है वो अपने आप को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मिमिक कर लेता है जिसकी वजह से जो प्रे है वो उस प्रिडेटर के पास पहुंच जाता है और प्रिडेटर उस प्रे को किल करके खा जाता है तो ये है मिमिक्री